नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 9 साल के बच्चे के साथ दबंगई का मामला सामने आया है। खेत में भैंस चली जाने के कारण दबंगों ने 9 साल के मासूम को तालिबानी सजा दी। थाना कमालगंज क्षेत्र के दौलतपुर गांव में दबंगों ने बच्चे को पेड़ में रस्सी से बांधकर उसकी डंडों से पिटाई की। पिटाई के कारण उसे काफी चोटें आई हैं। बच्चे का खेत में पेड़ से बंधे होने का वीडियो वायरल हो रहा है। परिजनों को जानकारी होने के बाद रात में मासूम दबंगों के चंगुल से छूटा तो चाइल्ड लाइन निदेशक भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि रामगुनी का 9 वर्षीय पुत्र हीरालाल शाम को भैंस चराने खेत में गया था। काफी देर तक न आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो गांव के ही पास खेत में पेड़ से बंधा मासूम मिला। उसके हाथ भी बंधे थे। परिजनों ने मासूम को गोद में उठाकर थाना कमालगंज पहुंचकर तहरीर दी। मैं डॉक्टर जितेंद्र चतुर्वेदी, निदेशक चाइल्डलाइन फर्रुखाबाद से हूँ। मेरे पास एक मामला दर्ज हुआ कि एक बालक है जो दौलतपुर गांव, क्या नाम है बच्चे का? हीरालाल। हीरालाल को गांव के ही शेर सिंह है और राजेश, इन्होंने बंधक बनाया है केवल इस शक पर कि उनके जानवरों ने, जो कल्प्रिट है, उनके खेत में मक्का का नुकसान किया है। बच्चे को मारा पीटा, जासूचक गालियां दी और गालियां देने के बाद में जब इससे उनका मन नहीं भरा तो बच्चे को उन्होंने बंधक बनाकर खेत में डाल दिया। शोरगुल सुनकर जब उनके परिवार वाले आने, जो उसको छुड़ाने के लिए आए हैं, 112 पे भी खबर करी गई, पुलिस के आने पर ये लोग भाग गए। नहीं तो बच्चा आपको किस हालत मिला था? बच्चा बंधा हुआ था। जब हम लोग यहाँ थाने आए तो ये थाने पे बच्चा चल नहीं पा रहा था, मोटरसाइकिल पर गोदी में ला गया था बच्चा। तो क्या बच्चे के साथ मारपीट की गई? क्या बच्चे के साथ बेहद मारपीट की गई, लाठी डंडों से मारा है। बच्चे के जाहिरा चोटे भी है और बच्चा अपना ये भी बता रहा है कि मेरे अंदरूनी काफी चोटे हैं। नहीं जब बोलो। हीरालाल कहाँ के रहने वाले हो? दौलतपुर के। तुम क्या हो, किसने मारपीट की तुम्हारे साथ? तुम कहाँ गए थे? मारा पहले बांध के। किसने बांधा तुम्हें? राजपाल ने। और कितने लोग थे मारपीट कर रहे तुम्हारे साथ? कुल लोग थे। किस लिए मारा तुम्हें? किस लिए मारा था? तेरे घर में बैठिया क्यों? अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? कुल लोग थे। कितने थे? 5 थे, 10 थे, कितने थे? अच्छा, 10-15 लोग थे। काय काय से मारा? डंडा से मारा, लाठी से। अच्छा, तो तुम्हें क्या बांध दिया खेत में? कैसे कैसे बांधा था? कांटे लगा दी थी रस्सी से। अच्छा, इससे बांध दिया था। फिर तुम कैसे बचे? भाई आया, उसने खोला। उसने खोला? क्या नाम भैया आपका? रवि। कहाँ रहने वाले हो? दौलतपुर। कौन थाना लगता है? कमालगंज। अच्छा, तुम्हारे भाई के साथ क्या घटना घटी है? भैया चरावन गए थे खेत में, यहाँ वहाँ बुलाए के रखे, मेरी मक्का खाई उबाना फिर बुलाई करे मारो। कितने लोग के मारपीट कर रहे थे? 2 लोग हते खाली, फिर बाद में यहाँ कुली लोग आई है। नहीं तो भैया कहाँ बंदा मिला वहाँ? हाँ बंदा मिला है। हाँ। भैया कितनी उम्र है तुम्हारे भाई की? 9 साल। 9 साल का बच्चा है। हाँ। किस क्लास में पढ़ता है? 3। कैसे 3 पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? गाँव में ही है। फिर बच्चा कैसे छूटा तुम्हारा है? बच्चा कैसे पता लगा बंदा पड़ा बच्चा है? रस्सी से। रस्सी से बंदा पड़ा था? कहाँ पे? चांदनी के पेड़ के नीचे। चांदनी पेड़ नीचे है? तो फिर नहीं, तुम्हें कई जानकारी मिली? एक भैया होने मेरे चराए रहो तो भाई दिया तो वो बचाओ भाव को मरी भाई 2 रुपये जब वो फिर भाजिया घरे तब आने घरे बताइए तब सब लोग तब मम्मी गई तब बचाया क्या? पुलिस को सूचना की है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने थाने बुलाओ। अभी तुम कहाँ खड़े हो? अस्पताल में। किसी से चोट है? किसी से मारा बच्चे को? डंडा से। डंडे से मारा है। आज दिनांक 28/3/2023 को थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में 9 वर्षीय बालक का जानवर विपक्षी राजेश पाल पुत्र सोबरन के खेत में चले जाने के कारण। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।